तो अलग-अलग स्टेट से लोग, अलग-अलग लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो कि देखिए इतने सारे प्रदेश से जिनको हम जानते भी नहीं है वो भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और ये देख करके और ये महसूस करके बहुत खुशी हो रही है आप सभी से मिल करके। तो एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज के इस सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं उन बेजुबानों के बारे में जिनके बारे में हमने पिछले हफ्ते भी बात करी थी, लेकिन कुछ हाई डिमांड के कारण हमने इसको फिर से रिपीट किया है इस वेबिनार को, और आप लोगों की ही डिमांड के कारण हमने इसको रिपीट किया है। तो उन बेजुबानों को, उन बेजुबानों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, उनकी हेल्थ कैसे सुधार सकते हैं, उन सारी चीजों की जानकारी देने वाले हमारे मोस्ट यंगेस्ट ट्रेनर आज आपके सामने आने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि हमारे एनिमल केयर में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं और किस तरीके से आपके बेजुबानों का ख्याल रखेंगे, साथ साथ में आप उनके साथ अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकेंगे। तो बहुत ज्यादा देर ना करते हुए अलग अलग राज्यों से लोग जुड़े हुए, उन लोगों का स्वागत करते हुए आज हम अपने ट्रेनर का भी स्वागत करेंगे आप सभी के बीच में। तो क्या बुला लिया जाए उनको, आप लोग तैयार हैं? सर मुझे अभी भी लो अनम्यूट हो रहे हैं, तो प्लीज आपकी आवाज बड़ी सुनहरी है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग म्यूट रहें सो देट हम लोग डिस्टर्ब ना हो। तो इसीलिए चलिए, तो सभी लोग रेडी हैं, एक्साइटेड हैं आज के इस सेशन के लिए। तो मैं बुलाना चाहूंगा आज के हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर जिनको बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस, बहुत ही ज्यादा नॉलेज और बहुत ही ज्यादा यंग एज में उन्होंने ये ट्रेनिंग सीखी है और एक्सपीरियंस की है। तो मैं बुलाना चाहूंगा आप लोग के बीच में आपकी जोरदार तालियों के साथ मिस्टर राजकुमार जी का, मिस्टर पीवी राजकुमार जी, प्लीज आप आए और हम सभी का ज्ञान आगे बढ़ाएं। मिस्टर राजकुमार, आपका स्वागत है आज के इस दिन में। शायद वो मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं, लेट मी चेक। राजकुमार सर, यस राजकुमार सर, वेलकम टू यू। कैसे हैं आप? आपकी आवाज नहीं आ रही है राजकुमार सर। हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं, आवाज आपकी नहीं आ रही है। हेलो। हाँ जी सर, अब आपकी आवाज आ रही है, क्लियर है, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? एकदम जकास जी, एंड थैंक यू सो मच सिंह साहब फॉर अ वार्म हाँ वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू आपका आने के लिए। और आप बहुत ही बेहतरीन लग रहे हैं, टाई और हाफ स्वेट में आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सर। स्वागत है आपका, और प्लीज ये स्टेज, ये वेबिनार आपका है, प्लीज कंटिन्यू योर सेशन। थैंक यू डियर सर्वेशंस, आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, वनकम। और दो हमारे कर्नाटका से दो हमारे प्यारे सर्वेशंस भी जुड़े हैं, मिस्टर वीर कुमार और मल्ल स्वामी जी, तो आपको भी नमस्कार आप, एंड आप सबको नमस्कार। मैं हूं आपका प्यारा सर्वेशियन पीवी राजकुमार, आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस जूम मीटिंग पे। जैसे कि हम सबको पता है, आज एनिमल केयर के बारे में बताने वाला हूं, और मैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक हूं। आज दो प्रोडक्ट के बारे में ही सिर्फ आज बताऊंगा, और वो है चिक प्लस और कैल्सुई। ये दोनों प्रोडक्ट के बारे में मैं विस्तार से बताना चाहता हूं, क्योंकि
बहुत सारे पॉटेट्स जो आप मुर्गियों के लिए देते हैं वो बहुत सारे नॉन वेज पॉटेट्स होता है, मछलियों के लिए और मुर्गियों के लिए नॉर्मली नॉन वेज फूड ही मिलता है। तो हमारे सर्विस ने प्योर ऑर्गेनिक प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट दिए हैं इसमें, तो ये चीज बताने के लिए कि चिक प्लस इज एब्सोल्युटली सेफ फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इंफेक्शन आपका मुर्गियों के लिए। तो इसको इसमें क्या क्या दिया गया है कंपनी के द्वारा, हमारे जो R&D डिपार्टमेंट है बड़ा सोच समझ के ये दो पटर हम लोग को सौंपा है जो आप सबको आज मैं बताने वाला हूं कि क्या खासियत है। तो चलिए मुझे 2 मिनट के वक्त दीजिए, मैं शेयर कर लेता हूं। तो ये है चिक प्लस जो सर्वश्री ने आप सबको सौंपा है, 500 ml का है, ये लिक्विड फॉर्म में है। तो ये क्या करता है देखिएगा, SHPL चिक प्लस इज जनरली अ फूड सप्लीमेंट मेड ऑफ प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जैसे कि हर मनुष्य को भी ग्रोथ के लिए प्रोटीन दरकार पड़ता है, विटामिन दरकार पड़ता है और खनिज पदार्थ भी दरकार पड़ता है, वैसे हमारे पशुओं के भी ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत ही अनिवार्य है उनको खाने में भी। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड अमीनो एसिड्स, अब सबको पता है। अब ये अमीनो एसिड आपको पौधों के लिए भी लगता है, देखिए बड़ा अजीब सा है, पौधों के लिए भी लगता है, आपके पशुओं के भी लगता है और मनुष्य के भी लगता है। After a bird consumes protein, the digestive process breaks down the protein into amino acids. The amino acids are then absorbed by the blood and transported to cells that converts the individual amino acids into specific proteins required by the animal. Proteins are used in the construction of body tissues such as muscles, nerves, cartilage, skin, feathers, beak, and so on. Chick plus increases the egg white protein. मतलब protein content को बहुत ज्यादा increase कर देता है chick plus मुर्गियों में। और आप सबको पता है ये कोरोना के time में protein को बहुत बढ़ाना, बहुत protein ज्यादा लेने के लिए बहुत सारे लोग doctors advise कर रहे थे। इससे चिकन कंजम्पशन 2 गुना 4 गुना 10 गुना बढ़ गया है। 2050 तक हर महीना भारत में 180 लाख टन मुर्गियों की मीट बेची जाएगी, 180 लाख टन 2050 तक। अब तक आपका सिर्फ और सिर्फ 70 लाख टन ही बेचा जा रहा है और 2025 तक ये 180 लाख टन मुर्गियों की मीट बेची जाएगी। इतना पोटेंशियल है पोल्ट्री फार्म में। और सबसे ज्यादा मुर्गियों का क्यों खाते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होता है और फैट कंटेंट बहुत ही कम रहता है। मुर्गियों में फैट कंटेंट इतना कम रहता है कि सोयाबीन से भी फैट कम रहता है मुर्गियों में, इसीलिए चिकन को लीन मीट कहा जाता है। 2050 मैडम, 2050 तक 180 लाख टन चिकन मीट बेचा जाएगा। यही बिजनेस है, सिर्फ इंडिया में है ये, मैं बाहर की बात, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूं।
तो ये प्रोटीन को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है चिक प्लस। अब ये प्रोटीन को कैसा बढ़ाता है, क्या करता है, इसमें क्या दिया गया है, आगे आगे आपको मैं बताऊंगा। नेक्स्ट है जैसे कि एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स आपको देखेंगे तो ये ऑर्गेनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, दैट ऑर्गेनिक दैट कंबाइंस टू फॉर्म प्रोटीन्स, एंड व्हेन दोस प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड और ब्रोकन डाउन एंड व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड। ये पूरा है, डीएनए है, मस्कुलर है, ये आपको मैं चाहिए तो पीडीएफ भेज देता हूं, आप पढ़ लीजिएगा। ये बेसिकली अमीनो एसिड्स को कैसे ब्रेक डाउन करता है, कैसे अपने मसल्स को, अपने नर्व्स को मजबूत किया जाता है, अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन के ब्रेक डाउन से बनता है, इसके बारे में बताया गया है। देखिए इसमें पहला जो इंग्रेडिएंट है हमारे चिक में आर्जिनिन, बहुत ही जबरदस्त एक इंग्रेडिएंट है। ये सफिशियंटली अवेलेबल इन चिकन डाइट टू मेंटेन द इम्यूनोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड टू सपोर्ट प्रोटीन एक्रेशन। मतलब प्रोटीन माने अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, शरीर में उतरने के लिए, खून में मिक्स होने के लिए आर्जिनिन का बहुत ही बड़ा रोल है। तो ये अपना इम्यूनिटी रोग प्रतिरोध शक्ति को भी बढ़ाता है और ग्रोथ में भी काफी सहायता करता है चिक प्लस। अच्छा आप सबको सुनाई देता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका मेरी आवाज पहुंच रही है आप सबको? यस सर। थैंक यू। चलिए तो ये जो है कृपया करके माइक को, अपना माइक को म्यूट में रखिएगा, टच मत करिएगा, नहीं तो हमको डिस्टरबेंस हो रहा है। फार एक्युमुलेशन टू इंप्रूव मीट क्वालिटी को बढ़ा देता है एंड इंक्रीजेस दी, क्या है जी, टोटल फैट एक्युमुलेशन टू इंप्रूव मीट क्वालिटी एंड इंक्रीजेस द एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस अंडर नॉर्मल कंडीशन। मतलब एक तो रोग प्रतिरोध शक्ति को बढ़ा देता है, दूसरा है अमीनो एसिड्स को बॉडी में एब्जॉर्ब करने की सहायता करता है आर्जिनिन, और तीसरा जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को भी बढ़ा देता है मुर्गियों में। जी ये है सिस्टीन। ये और एक देखिएगा, अपना आरएनडी डिपार्टमेंट को मैं दांत देता हूं, हमेशा हमेशा सल्यूट करता हूं, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स मैंने बहुत सारे देखे हैं दूसरे कंपनियों में, लेकिन सर्वश्री के जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, इसमें जब आप इंग्रेडिएंट्स में जाते हो तो आपको पता चलेगा कि एक एक इंग्रेडिएंट्स का अपना अपना महत्व है, उसीलिए हमारे सर्वश्री के प्रोडक्ट इतने अच्छे तरह काम करते हैं। इसलिए मैं सोचा कि आज आप लोगों को बता दूं चिक प्लस है क्या और इसमें क्या दिया गया है आप सबको, ताकि आप बाजार में कॉन्फिडेंटली बता पाओगे छोटे पोल्ट्री फार्म्स या बड़े पोल्ट्री फार्म्स को, कॉन्फिडेंटली आप बता पाओगे कि इसमें है क्या। तो कृपया करके ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीज आप लोगों को जानने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बताएगा आपको जब जब आप जाओगे बाजार में पोल्ट्री फार्मर्स के ओनर्स के पास, तो वो पूछेगा इसके लिए क्या है आपके पास, इसके लिए है क्या। तो देखिएगा हमारे चिक प्लस में उनका हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। रिपोर्टेड एज 13 टाइम्स हायर इन ब्रॉयलर फेदर्स देन मेथियोनाइन। ये जो नॉर्मली रासायनिक पदार्थ जो देते हैं ना, नॉर्मली यूज जो किया जाता है पोल्ट्री फार्म पे, 13 गुण ज्यादा पावरफुल है सिस्टीन। ये जो पंख देखते हैं ना ब्रॉयलर पंख, ये एकदम मजबूत होते हैं, स्ट्रांग रहते हैं, ताकि पंख के मुर्गियां तो बच ही नहीं पाएंगे। पंख ही उनका सुंदरता है, पंख ही उनका मजबूता है, पंख ही उनका उनके शरीर में
वजन बढ़ाने वाला काम करता है और स्वस्थ रखने वाला काम करता है। तो वैसे देखिएगा बॉयलर फेदर्स को मेथियोनाइन जो एक इंग्रेडिएंट यूज किया जाता है नॉर्मली पोल्ट्री फार्म से, उससे 13 गुण ज्यादा पावरफुल है सिस्टीन। इट प्लेस अ क्रिटिकल रोल इन प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। माने ऑक्सीडेशन से जितना शरीर खराब होता है उससे बचने में सिस्टीन भी अच्छा काम करता है या अच्छा महत्व रखता है काम करने में। दिस अमीनो एसिड एक्ट्स एज अ प्रेकर्सर ऑफ सम कॉन्स्टिट्यूएंट दैट प्ले अ सेंट्रल रोल इन द एंटीऑक्सिडेंट प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ द बॉडी जस्ट एज ग्लूटामिन। This indicates their importance in the growth and the feather development. मतलब आपको टोटल में उनके मुर्गियों के जितने भी पंख है ना वो सबको मजबूत करने में काफी मदद करता है सिस्टीन, और उनकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को भी बढ़ा देता है, इम्यूनो सिस्टम भी बढ़ जाता है। ग्लाइसाइन, ये ग्लाइसाइन देखिएगा ये एक न्यूट्रिशन एडिक्टिव इन द बॉयलर फीड मिलता है। ये अमीनो एसिड को पोल्ट्री प्रमोट इम्यून सिस्टम, तो वही सिस्टम है कि अमीनो एसिड में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने वाला चीज जो रेगुलेट करता है इंक्रीडियन, ये अपना यूरिक एसिड, क्रिएटिन, ये सब को सही मात्रा में कंट्रोल बॉडी में कंट्रोल करने के लिए ग्लाइसिन का काफी बड़ा हाथ है। बायोलॉजिकल फंक्शंस मध्य अंडे ज्यादा देने वाला काम, ज्यादा काम भी फूड। इट इज यूज इन ग्रोथ रिपेयर ऑफ डैमेज्ड टिश्यूज एंड मेकिंग ब्लड सेल्स। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग नर्व सेल्स। इट इज यूज फॉर बॉडी टू मेक हिस्टामाइन। तो ये भी अपना नस को मजबूत करने में और अपने डैमेज टिश्यूज, यदि कोई घाव हो गया है या कोई भी कारण के लिए कुछ हो गया है तो उसको ठीक करने में भी काफी काम करता है। पता नहीं इन लोग कहां से इन लोग सबको करने का मिल गया है, मुझे तो पता नहीं है। वैसे तो हम अनम्यूट करने का किसी को। डियर सर्वेशियंस प्लीज आपका माइक म्यूट रखिएगा, कृपया करके आपका माइक म्यूट रखिएगा, कृपया करके आप माइक म्यूट रखिएगा प्लीज, थैंक यू सो मच, ताकि सबको मेरी आवाज पहुंचे और सबको सुनाई दे इस मीटिंग का विषय। थैंक यू सो मच। इट इज यूज्ड बाय द बॉडी टू मेक हिस्टामाइन। मैं म्यूट कर दिया है, अभी वो खोल देंगे तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आइसोल्यूसाइन, देखिए ये सब नाम हम लोग कभी सुना ना सुने हैं ना जानते हैं, लेकिन ये आइसोल्यूसाइन एक ऐसा एक प्रोडक्ट जो सर्वश्री के आरएनडी डिपार्टमेंट ने इस इंग्रेडिएंट को दिया गया है। इट रिवील्स न्यूमरस हेल्थ प्रोमोटिंग एक्टिवेट्स इन पोल्ट्री बर्ड्स। ये इंग्रेडिएंट जो है पर्टिकुलरली पोल्ट्री बर्ड्स के लिए ये प्रोडक्ट, ये इंग्रेडिएंट दिया गया है। एक तो एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट और इम्यूनोमॉड्यूलेशन के लिए ये काफी अच्छा काम करता है। और बेटर मीट एज वेल एज एग क्वालिटी, अंडे के क्वालिटी को भी और मीट का क्वालिटी को भी बढ़ाने में आइसोल्यूसाइन का काफी अच्छा काम करता है। आइसोल्यूसाइन भी है, अभी देखिए ल्यूसाइन फिर से अलग से एक इंग्रेडिएंट है। सब थोड़े थोड़े क्वांटिटी में है लेकिन सबका अपना अपना महत्व है। वेरी हाई डोज कैन स्टिमुलेट मसल प्रोटीन्स, एन इफेक्ट दैट इज एनहांस्ड इन वाइबो बाय इंसुलिन सीक्रेट इन रिस्पॉन्स टू द ल्यूसाइन डोज।
High leucine can also inhibit protein degradation in skeletal muscles as well as in liver. माने मस्तिष्क और लिवर को अच्छी तरह से स्वस्थ रखने के लिए ल्यूसाइन का काफी बड़ा रोल है. लाइसाइन इज द सेकंड लिमिटिंग अमीनो एसिड्स इन बॉयलर चिकन डाइट बेस्ड ऑन द कॉर्न सोयाबीन. आप सबको पता है कॉर्न सोयाबीन का नॉनवेज माने वेजिटेरियन डाइट चिकप्लस को दिया जाता है, लेकिन ये काफी महंगा पड़ता है तो बहुत सारे लोग इसको ऑप्ट नहीं करते हैं. शायद बड़े बड़े कंपनियां इसको ऑप्ट करते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो पोल्ट्री फार्म्स है वो कॉर्न सोयाबीन फीड्स दे नहीं पाते हैं, तो उसको सस्ता फीड्स जो नॉनवेज से बनाया जाता है वो देते हैं. उससे क्या होता है कि मुर्गियों में इन्फेक्शन बहुत जल्दी आ जाता है और मॉर्टेलिटी रेट काफी बढ़ जाता है. तो वहीं पे हमारे सर्वसी का चिक प्लस काम का आता है. ये पूरा प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट वेजिटेरियन नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ फूड सप्लीमेंट है, जो खाने के साथ यदि ऐड किया जाता है तो मुर्गियों में तो उनका अंडा देने का शक्ति, उनका मीट और वजन सब तरह से चारों तरह से बढ़ावा ही बढ़ावा मिलेगा. ये प्लीज जान लीजिएगा ये बात और अपने दिमाग में डाल लीजिएगा. अंडा का जो व्हाइट है ना, अंडा का व्हाइट हम लोग को हमेशा कहा जाता है कि वो पीला रंग को छोड़ के सिर्फ व्हाइट लीजिएगा, क्योंकि उसमें फैट रहता है तो व्हाइट में प्रोटीन ज्यादा रहता है. तो हमको प्रोटीन चाहिए अपने मसल्स को बढ़ाने के लिए, तो अंडा का व्हाइट को एकदम पौष्टिकार और बनाने में अपना चिक प्लस का बहुत बड़ा रोल है. अंडे के वजन भी बढ़ाता है, अंडे का साइज भी बढ़ाता है और मुर्गियों में प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ा देता है. तो ये ऑप्टिमम लाइस कंटेंट ऑफ 1.09% हायर देन एनआरसी लेवल्स वाज रिपोर्टेड टू इंप्रूव फॉर ब्रेस्ट मीट यील्ड एंड बीडब्ल्यू विद लो एब्डोमिनल फैट पैड वेट. तो फैट कंटेंट भी कम रहता है और आपका ब्रेस्ट मीट जिसको हम बोलते हैं साधारण, तो ब्रेस्ट मीट काफी महंगा पड़ता है मुर्गियों में, वो भी बढ़ावा ज्यादा मिलता है अपने को ब्रेस्ट मीट यील्ड. बहुत सारे आपके रेस्टोरेंट्स में आप देखेंगे चिकन ब्रेस्ट का अलग से मेनू होता है और उसका बहुत हाई डिमांड है, क्योंकि उसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है और मीट का क्वांटिटी भी ज्यादा रहता है. तो वहां पे ब्रेस्ट मीट यील्ड को बढ़ाने में लाइसाइन का बहुत बड़ा रोल है. मिथियोनाइन नॉट ओनली सर्व्स एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी प्रोटीन बट ऑल्सो इज इन्वॉल्व्ड इन डेवलपमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. देखिए जैसा आपका पौधों में है कि जमीन का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एकदम सही होना चाहिए, अम्लीय नहीं होना चाहिए, पीएच लेवल मेंटेन करके जाना चाहिए, प्रोबायोटिक ज्यादा होना चाहिए, पानी के सिंचाई सही रहने चाहिए, पानी जमा नहीं होना चाहिए मिट्टी में. वैसे मनुष्य में भी आपका पाचक क्रिया का एकदम सही होना चाहिए, वैसे देखिएगा पशुओं में भी आपका पाचन क्रिया सही होने से ही वो मुर्गियां स्वस्थ रहते हैं. तो वैसे ही एक रोग से जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को मजबूत करने में मिथियोनाइन का काफी बड़ा रोल है. और ये भी क्या करता है, देखिए आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ग्रोथ परफॉर्मेंस को बढ़ा के छोड़ देता है और मसल मास को भी इंक्रीज कर देता है, फेदर डेवलपमेंट में काम करता है और अंडे की प्रोडक्शन में भी काफी अच्छा रोल प्ले करता है. तो मिथियोनाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंग्रेडिएंट है हमारे चिक प्लस में. तो दरअसल ध्यान दीजिएगा कि ये सब इंग्रेडिएंट मैं अलग अलग से तोड़ तोड़ के इनके फायदे आपको बता रहा हूं, ताकि आप लोग इसके से पढ़े. और मत बोलिए सर जी हमको हिंदी में चाहिए, ये हिंदी में तो सिर्फ आपको वेबसाइट में कल सुबह मिल जाएगा,
कल सुबह मतलब अगले बार मिल जाएगा जब उसको अनुवाद करके आप लोग को डाला जाएगा, नहीं तो वैसे आपको अंग्रेजी में मिल जाएगा। आप कृपया इसको अनुवाद कर लीजिएगा अपने जगह से और आप इसको पढ़ के आप इस प्रोडक्ट को काफी अच्छी तरह से प्रमोट करेंगे। मैं बोलता हूं ये करोड़ों का बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस है। 1-2 लाख, 1-2 रुपया, 1-2 हजार नहीं, करोड़ों का बिजनेस है पोल्ट्री फार्म। तो मैं कह रहा हूं कि 180 लाख टन का मुर्गियों का मीट का सेल होते हैं वाला है 2050 तक। तो आप सोचिए कि कितना चिक प्लेस का सेल करने से आपको इतना लाख टन का मुर्गियों का मीट मिल पाएगा। तो दोस्तों कृपया करके इस इंग्रेडिएंट्स के फायदे ये आप जान के आप बाजार में उतरोगे तो पोल्ट्री फार्मर के ओनर्स को अच्छी तरह समझा पाओगे। 309 इज अ थर्ड लिमिटिंग एमिनो एसिड इन पोल्ट्री एंड इट हैज अ वाइटल रोल इन इंप्रूविंग ग्रोथ, इंटेस्टाइन मॉर्फोलॉजी एंड बैरियर फंक्शंस। तो ये भी अपनी तरह से मुर्गियों की पोल्ट्री फार्म्स के लिए काफी अच्छा काम करता है। वेलाइन इज द फिफ्थ लिमिटिंग एमिनो एसिड। देखिए प्रोटीन ही मेन चीज है जो यहाँ पे काम करता है और मुर्गियों को आवश्यकता है प्रोटीन, क्योंकि मुर्गियों में प्रोटीन ही मेन चीज है। प्रोटीन के लिए मुर्गियों को खाया जाता है क्योंकि प्रोटीन के साथ साथ इसमें जीरो फैट या एकदम मार्जिनल फैट ही रहता है मुर्गियों में। तो इसीलिए प्रोटीन कंटेंट के लिए आपको आप जितना आप यदि 1 kg चिक प्लस खाएंगे और जितना प्रोटीन आपको वो चिक आप सॉरी मुर्गियों से मिलता है उतना प्रोटीन आपको शायद 10-20 केजी खाने से सब्जियों से आपको प्राप्त होगा। ये है इंपॉर्टेंस आपको मुर्गियों का चिकन से। तो ये जो वेलाइन है ये फिफ्थ लिमिटिंग एमिनो एसिड्स ऑफ लेइंग हेंस आफ्टर मेथियोनाइन लाइसिन ट्राइफोफेन एंड थ्रियोनाइन फॉर पोल्ट्री अ सप्लीमेंट ऑफ एडिक्वेट वेलाइन इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग हायर प्रोटेक्टिव परफॉर्मेंस एंड एन एक्सेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ वेलाइन कुड रिजल्ट इन एंटागोनिज्म अमंग बीसीएसएस। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बताया गया है कि वेलाइन का पोल्ट्री फार्म में इस सप्लीमेंट को देना बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाने में, मसल्स को बढ़ाने में, वजन को बढ़ाने में ये वेलाइन का रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुर्गियों में मेटाबॉलिज्म रेट पूरा कम हो जाते हैं, वो जल्दी बीमार पड़ जाएंगे और मॉर्टेलिटी रेट भी बहुत ही बढ़ जाएगा, मुर्गी मर जाते हैं इस रोग प्रतिरोध शक्ति यदि बहुत ही वीक रहता है। तो वेलाइन का भी काफी ज्यादा रोल है पोल्ट्री फार्म में। ट्रिप्टोफैन पोल्ट्री इंक्रीजेस द ग्रोथ परफॉर्मेंस थ्रू इंक्रीजिंग एपेटाइट। तो भूख को बढ़ावा देता है, फीड एफिशिएंसी को, मतलब यहां देखेंगे। और एक चीज आपको पता चल रहा है कि हमारे चिकप्लेस द्वारा फीड का कम खर्चा पड़ता है आपके पोल्ट्री फार्मर्स में। दोस्तों मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं कृपया करके चैट बॉक्स में बताइएगा। मैं ज्यादा स्पीड में हूं कि मेरा स्पीड सही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं कृपया करके बताइएगा मुझे। देखिए ये ट्रिप्टोफैन का, थैंक यू सो मच सुकांत सर, साइनी साहब एंड वंदना मैडम, यस वेणुकुमार सर, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे देखिएगा आपको FCR जिसको बोलते हैं, यहाँ पे फीड का यूसेज भी कम हो जाता है। इफ एट ऑल यू गिव चिक प्लस अलोंग विद द फीड देन द फीड रेशियो इज ऑल्सो डिक्रीज्ड। थैंक यू।
तो आपको यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको पॉइंट को एकदम आपके दिमाग या दिल में बैठा के रख दीजिएगा कि फीड इनटेक जब कम हो जाता है तो मुर्गियों का फार्मर्स को खर्च भी कम हो जाता है। ये बहुत ही बड़ा विषय है, ये समझना है। उनका डाइजेस्टिव ट्रैक सही हो जाता है, एपिटाइट सही हो जाता है और उनका फूड यूटिलाइजेशन भी सही तरह से होता है। ये बहुत ही बड़ी विषय है, ये चीज को आप अंदर में रख लीजिएगा ये बात और इस पॉइंट को। हाँ, एक कौशिक सर जी हैं, हमारे उस्ताद हैं कौशिक सर, जो मुर्गियों के, मच्छियों के, गाय के और एग्रो में उस्ताद है हमारे कौशिक बनर्जी सर, बड़े ग्रेट लीडर है वेस्ट बंगाल से और सिर्फ एग्रो एनिमल केयर पर ही काम करते हैं, टुक टाक तरह से हेल्थ काम करते हैं। थैंक यू सो मच कौशिक बनर्जी सर। और ये पोल्ट्री सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर बॉडी डिमांड भी बढ़ा देता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक इंग्रेडिएंट है ट्रिप्टोफैन। तो ये चीज आप लोग अपने में बता लीजिएगा कि चिक प्लस देने से फीड इनटेक भी कम हो जाना ये अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। The essential amino acids of phenylalanine is needed for the synthesis of proteins. It's also an important precursor for amino acids and L-tryptophans. तो ये वही है, amino acids के बारे में बताया गया है। तो हर चीज का अपने अपने मायने हैं। तो ये भी अमीनो एसिड्स को अच्छी तरह से काम करने में और हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब करने का काम करता है ये वाले इंग्रेडिएंट। इसमें ट्रेस एलिमेंट्स भी है, जैसे मिनरल्स मैंने कहा था, तो खनिज पदार्थ भी इसमें काफी हैं, ट्रेस मिनरल्स हैं, क्रिटिकल रोल इन द मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री। दीज फंक्शंस हेल्प सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इम्यूनिटी फंक्शंस and the reproductive performance in the livestock and poultry. In addition to improving reproductive and productive performance parameters, minerals are also essential supporting several enzymatic systems. So overall, बोलने का मतलब क्या है कि खनिज पदार्थ या trace element जिसको भी हम बोलते हैं, ये हमारे हमारे मतलब मुर्गियों के body overall metabolic rate और ग्रोथ में काफी अच्छा मदद करता है, फिट रखने में काफी अच्छा मदद करता है। देखिए सोडियम भी दिया गया है, जो एनकरेजेस फीड कंसम्पशन दैट रिजल्ट्स इन फास्टर ग्रोथ एंड इंप्रूव्स मसल्स, वही चीज है। ये ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस इन मीट एंड एग प्रोडक्शन फॉर लेइंग हैंड, सॉल्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्शन में, अंडे देने में, ज्यादा अंडे देने में, अच्छे अंडे देने में, वजनदार अंडे देने में, हाई प्रोटीन कंटेंट अंडे देने में सोडियम का काफी बड़ा रोल है, वही कहा जा रहा है यहाँ पे। और यही चीज दिया गया है, मैग्नीशियम एसेंशियल फंक्शन फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड बोन। I'll let you know the dosage also very soon. I'm just coming into the ingredients. Once I finish, definitely I'll give you the dose also. Have you any questions? The microproportion of these elements in diet is an important issue in poultry nutrition. में magnesium का काफी बड़ा role है। वैसे मनुष्य में भी और पौधों में भी magnesium का काफी बड़ा role है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे agrocare में सर्वा मैक्स बोल के जो प्रोडक्ट है उसमें हाई कंटेंट ऑफ मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम से काफी अच्छा पौधे का ग्रोथ होता है। वैसे ही मनुष्य में भी स्पेशली लेडीज में मैग्नीशियम बहुत दरकार पड़ता है लेडीज के लिए, ताकि उनका फर्टिलिटी रेट बढ़ जाए, उनका मेंसेस का प्रॉब्लम से कोई दिक्कत ना हो, वहां पे मैग्नीशियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वैसे ही
मुर्गियों में पशुओं में भी मैग्नीशियम का बहुत ही बड़ा रोल देखिएगा यहाँ पे कैल्शियम फॉर मेकिंग द सप्लीमेंट ऑफ राइट प्रोपोर्शन ऑफ दिस एलिमेंट्स इन डाइट्स एंड इंपॉर्टेंट इश्यूज इन पोल्ट्री न्यूट्रिशन. दोस्तों सर्वश्रीम आप बहुत प्यारे हैं, कृपया करके म्यूट करके रखिएगा अपने माइक को प्लीज. तो ये है मैग्नीशियम का काम. अब है क्लोराइड. ये क्लोराइड भी काफी इंपॉर्टेंट है जो हमारे डिटॉक्स स्प्रे में दिया गया है. क्लोराइड एक्चुअली नर्वस सिस्टम के लिए काफी अच्छा काम करता है. क्लोराइड अपना दिल के लिए काफी अच्छा काम करता है एंड वेरी एसेंशियल प्रोडक्ट फॉर हार्ट एंड नर्व डिसऑर्डर्स. इट इज यूज्ड इन इंपॉर्टेंट फीड्स, एक्टिवेट्स लाइफ स्टॉक पोल्ट्री. इट हेल्प्स टू मेंटेन सेल मेम्ब्रेन्स इंटीग्रिटी, नॉर्मल मेल न्यूट्रिशन एंड बोन कैटिलेज में भी काफी अच्छा काम करता है. मतलब हड्डियों का वजन बढ़ाने भी क्लोराइड काफी अच्छा काम करता है. मैंगनीज इज अनदर वेरी गुड मिनरल जो आपको चिक प्लस में दिया गया है. ये चिकन रिक्वायर एडिक्वेट लेवल्स ऑफ मैंगनीज इन द डाइट फॉर रीप्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थी कार्टिलेज एंड बोन. एक्सेल्स अंडे का जो छिलका होता है उसको भी मजबूत करने में मैंगनीज का काफी रोल है. आपका एडिक्वेट लेवल ऑफ रिप्रोडक्शन सिस्टम में ग्रोथ में भी इनका काफी बड़ा रोल है मैंगनीज का. जिंक सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यदि कोई भी मिनरल है इस पृथ्वी पे आयरन के बाद वो है जिंक. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मिट्टी में जिंक रहेगा तो पौधे का ग्रोथ काफी अच्छा रहेगा और हरा भरा रहेगा. मनुष्य में यदि जिंक रहेगा तो रोग प्रतिरोध शक्ति को एकदम स्ट्रांग मजबूत कर देगा. वैसे ही पशुओं में भी देखिएगा बोन डेवलपमेंट, फेदर डेवलपमेंट, एंजाइम स्ट्रक्चर को ठीक रखने में, एपेटाइट कंट्रोल को सही करने में एकदम जिंक काफी बड़ा रोल प्ले करता है जैसे हम सबों में करता है. आयरन आ गया है, देखिएगा ट्रेजन है प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन and preventing anemia. ये सब हम सबको पता है. कॉपर, देखिए एक एक चीज आप देखोगे इंग्रेडिएंट्स है ना, एक एक चीज का एक मतलब होता है. बेमतलब का कोई भी इंग्रेडिएंट कंपनी ने नहीं दिया है अपने प्रोडक्ट्स में. उसी लिए मैंने सोचा कि इस इंग्रेडिएंट जैसे हम लेबल में देखते हैं ये सचमुच दरकार है कि नहीं, बहुत कम लोगों को पता होगा. तो उसी लिए मैं सोचा कि इंग्रेडिएंट्स को पूरा मैं विस्तार करके इनके फायदे जब बता पाएंगे ना तो आपको भी प्रोडक्ट में बेचने में कॉन्फिडेंट आ जाएगा. क्योंकि वो लोग पूछेंगे फार्मर्स कि इसमें क्या है कि आप बोल रहे हैं कि काफी अच्छा काम करेगा. और यदि आपको नहीं पता है कि कॉपर का क्या फायदा है, आपको नहीं पता है कि जिंक और मैंगनीज का क्या फायदा है, आपको नहीं पता है कि ट्रिप्टन का क्या फायदा है, तो आप उनको करने से नहीं कर सकते. उसी लिए मैं सोचा कि आपको विस्तार में एक एक इंग्रेडिएंट जो हमारे आरएनडी डिपार्टमेंट में बड़ा सोच समझ के दिया है, तो ये मैं मेरा बताने का फर्ज है हमारे सर्वश्री के ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की ओर से. कॉपर कैन मेंटेन प्रॉपर बॉडी फंक्शंस एंड ऑब्टेन द ऑप्टिमल ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ द पोल्ट्री. मल्टीपल एंजाइम सिस्टम्स इंटीग्रेटेड टू एनर्जी मेटाबॉलिज्म, टिश्यू ग्रोथ, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, ऑक्सीडेटिव डिफेंस एंड इम्यूनो कॉम्पिटेंस. वही चीज है, आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, आपका आरबीसी काउंट को बढ़ा देता है और उसके बाद आपके एंजाइम्स को सीक्रेट करने में सही समय में सही एंजाइम को बॉडी में सीक्रेट करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉडी मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए. आयोडीन है, हेल्प्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन इरेगुलर फंक्शंस ऑफ मसल्स एंड नर्व्स, कंट्रोल्स द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म. इट हेल्प्स कीप्स द स्किन, फेदर्स, स्पर्स एंड बीक हेल्दी. देखिएगा
चोंच जो है ना, चोंच को भी सही तरह से यदि मजबूत नहीं रखेंगे ना तो वो मुर्गी ठीक तरह से खाना नहीं खा पाएगी, क्योंकि चोंच ही एकदम सही मजबूत होना चाहिए एक मुर्गी में या मुर्गा में, तभी वो खाना भी सही तरह से खा पाएगी। वो भी जो केचुए जो है ना, वो केचुए को यदि खाना है मुर्गियां, तो उनका चोंच एकदम बढ़िया होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि वो तरह से मार गिराएंगे। कॉकरोचेस है, कॉकरोचेस को यदि मार गिराना है, मुर्गियां कॉकरोच को अच्छी तरह से खाती हैं। तो आप कौन है सर जी, म्यूट नहीं कर रहा हूँ। राम प्रदीप दीवान जी, आप क्यों अपने आप म्यूट कर रहे हो? मैं आपको आपको मीटिंग से निकाल दूं। राम प्रदीप दीवान जी, तो ये जो जी है स्पर्श एंड बीक को हेल्दी कर देता है। देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चोंच को सही करना क्या मतलब है सर, लेकिन चोंच से ही अंदर जाता है फीड, और यदि चोंच सही नहीं रहेगा तो बेचारे मुर्गियां खा नहीं पाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट चीज है देखिएगा। और वैसे फेदर्स को स्ट्रॉन्ग करना ये सब तो एकदम है ही है। कोबाल्ट इज अनदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर चिकन्स। इट कैन हेल्प टू इंप्रूव सम हेल्थ इश्यूज लाइक स्लो ग्रोथ, मोर्टेलिटी एंड रिड्यूस्ड हैचेबिलिटी। हैचेबिलिटी फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कोबाल्ट इतना इंपॉर्टेंट, ये छोटा सा चीज है लेकिन कोबाल्ट बहुत ही, हैचेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पोल्ट्री फार्म। हैचेबिलिटी नहीं होगा तो पोल्ट्री फार्म में बढ़ावा ही नहीं होगा, बिजनेस ही नहीं होगा। तो हैचेबिलिटी को इंक्रीज करने में कोबाल्ट का बहुत ही बड़ा रोल है। और वैसे एक स्लो ग्रोथ को मार देता है और मोर्टेलिटी रेट को भी कम कर देता है कोबाल्ट। पपाइन एक सब्सटेंस है दो माइट हेल्प फाइट इन्फेक्शंस, माने घाव को जल्दी से हील कर देता है। ये इन्फेक्शन से फाइट करने में बड़ी अच्छा काम, बड़ा अच्छा काम करता है चिक प्लस। इट इज अ प्रोटीन, मीनिंग इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स, माने प्रोटीन कंटेंट को ब्रेक डाउन कर देता है और अपने बॉडी के ब्लड में एब्जॉर्ब करने में काफी मदद करता है, ताकि हमारे घाव, हमारे यह मुर्गियों का घाव हील करने में काफी अच्छा सहायता है। गिविंग ईस्ट एट्रैक्ट, देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्ली डाइट ऑफ यंग चिकन, छोटे छोटे बच्चों बच्चे जो है जो हैच करने के बाद निकलते हैं, इनके लिए ईस्ट एट्रैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी रोग प्रतिरोग शक्ति को बढ़ा के छोड़ देता है और इनका जिंदगी के शुरुआत वाले जिंदगी को एकदम स्वस्थ रखने में ईस्ट एक्सट्रैक्ट बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये चीज आप लोगों को बताने में काफी ये होना चाहिए, क्योंकि हैचेबिलिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पोल्ट्री फार्म। देखिए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन को इंप्रूव करता है, ये जिस्ट में आपको बता दे रहा हूं कि बेनिफिट क्या क्या है। इंप्रूव्स लेइंग ड्यूरेशन, मतलब अंडे देने के ड्यूरेशन को भी बढ़ावा दे देता है चिक प्लस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, याद रखना है आपको। इट कीप्स दी हेंस चिक्स हेल्दी एंड एक्टिव। पैरासाइट रेसिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे पैरासाइट्स अटैक करते हैं मुर्गियों को आपके पोल्ट्री फार्म से, तो वैसे पैरासाइट अटैक से बचा के रखता है चिक प्लस, मतलब रोग प्रतिरोध शक्ति को बहुत ही बढ़ा के छोड़ देता है। ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड गर्ट माइक्रोफ्लोरा, मतलब उनका पाचन क्रिया को एकदम मजबूत कर देता है। बैक्टीरियल डिजीजेस से बचा के रखता है, हड्डियों का वजन बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूत करता है। सीजनल इलनेस जो होता है वो सबसे बचा के रखता है, जैसे कि गर्मी के टाइम में देखेंगे कि मुर्गी मर जाते हैं, वो सह नहीं पाते हैं वो हीट को, तो उस समय बहुत महंगा होता है
मीट, क्योंकि मॉर्टेलिटी रेट इतना बढ़ जाता है कि मुर्गियां मर जाते हैं, तो उस समय रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मुर्गियों का, 300-400 रुपया केजी चले जाता है। तो वैसे सीजनल इलनेस से भी बच के रखने में चिकपेस्ट का काफी अच्छा रोल है, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा के रखता है, अंडे का और मीट का क्वालिटी भी काफी इंप्रूव कर देता है, लीवर और किडनी फंक्शंस को सही करके रखता है और मॉर्टेलिटी रेट को भी पूरा कम करके देता है। इससे क्या होता है कि पोल्ट्री फार्मर का बजट होता है, क्योंकि तकरीबन 25-30% मुर्गियां फार्म में मुर्गियां मर जाते हैं, इससे बहुत बड़ा लॉस होता है, चाहे वो सीजनल इलनेस के कारण हो या पैरासिटिक अटैक के कारण हो या कोई भी डिजीज के फैलने के कारण होता है, तो इससे पोल्ट्री फार्म काफी लॉस में चले जाता है। तो ऐसे लॉस से बचने के लिए चिक प्लस बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो कृपया दोस्तों, ये आपको बताना है फार्मर्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उनका जो फीड जो इनटेक है वो कम हो जाता है, तो वो जो फीड खरीदते हैं उसका खर्च में बजट और मुर्गियों का जो मर जाना उसका परसेंटेज भी जब कम हो जाता है, तो ये दोनों ही फायदा है पोल्ट्री फार्मर्स को, और इससे यही चीज आपको बताना है। और ये कैसा हो सकता है, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स में आपको एक एक इंग्रेडिएंट का यदि आपको जानकारी होगा तो आप बता पाओगे, जैसा कोबाल्ट है, जैसा आपका आयोडीन है, आपका मैग्नीज है, जिंक है और दूसरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके साथ आप यदि थोड़ा सा ज्ञान उनको दे दोगे तो वो भी जानता है। ऐसा नहीं है कि फार्मर बेवकूफ है, उसको हर चीज का जानकारी है। आपको यदि उनको सही तरह से बता पाओगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अभी ये क्या है कि कैसा देना है, छोटे मुर्गियों को, चिक जिसको बोलते हैं, छोटे मुर्गियों को आपको 5 ml छोटे बच्चों को देना है, 5 ml चिक प्लस आपको बड़े मुर्गियां है उनके बाद 25-30 दिन के बाद वाले मुर्गियों को आपको 10-20 ml तक 100 मुर्गियों को देना है। 500 डाला 540 मैंने ब्लूटूथ में। कंचन मैडम कृपया करके आपका माइक को बंद करिए। थैंक यू। तो ये जो चीज है, अब ये तो मेरे हाथ में नहीं है, म्यूट करने वाला चीज जो होस्ट है उनको ही करना पड़ता था, मेरे पास नहीं है वो चीज जो मैं कर सकूं। जितना कर रहा हूं म्यूट, फिर से वो अनम्यूट हो जा रहा है। तो 5 ml चिक्स जो बच्चे हैं, मुर्गियों के बच्चे हैं, उनके लिए 5 ml दिन में 2 बार आपको 100 मुर्गियों के लिए देना है, छोटे मुर्गियों को, 100 छोटे मुर्गियों को 5 ml दिन में 2 बार, और बड़े मुर्गियों को 10 ml, 10-20 ml भी दे सकते हैं 100 मुर्गियों के लिए दिन में 2 बार। ये खाना में मिला सकते हैं, पानी में अलग से लगा के मिला सकते हैं। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, जैसे हमारे एक लीडर है मिस्टर कौशिक बनर्जी सर, वो पंच तुलसी या तुलसी करकुमिन पूरा एक बॉटल 30 ml, 30 ml पूरा एक बॉटल 50 लीटर पानी में मिला देंगे। ऐसा होता है कि पोल्ट्री फार्म में आप जाओगे ना तो मुर्गियों को लाइन में वहां पे, जब उनको पानी पीने के लिए एक लाइन सा एक जगह होता है, वो आके पानी वहां पे पिलर ऊपर में एक ड्रम होता है, ड्रम से पानी आके जाता है,
तो क्या करना है, उस ड्रम में आपको 30 ml का जो अपना पंच तुलसी या तुलसी कर्कुमिन मिला दीजिएगा। मिला के आप मुर्गियों को बचा पाएंगे ना, तो ये सीजनल इलनेस से, कोई भी पैरासिटिक अटैक से या कोई भी वायरल फीवर से आप मुर्गियों को बचा के रख सकता है। एक चीज आप करके देख सकते हैं तो इससे मॉर्टेलिटी रेट तो और भी कम हो जाएगा चिकप्लेक्स को देने के साथ साथ। तो ठीक है जी, तो ये हुआ आपका चिकप्लेक्स। अभी मैं आगे आपको दूसरा एक प्रोडक्ट के बारे में आपको मैं बताऊंगा, वो है आपका कैल्सरी। दोस्तों ये कैल्सरी इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ना, ये मुर्गियों को भी दे सकते हो, मछलियों को भी दे सकते हो, और जितने स्तनधारी पशु है ना, ये सबको आप कैल्सरी दे सकते हो। चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, कुत्ते हो, माने बिल्ली हो, मैंने जितने भी स्तनधारियां पशु है सबको आप कैल्शियम दे सकते हो। और इसके यदि आप इंग्रेडिएंट्स को आपको पता चल जाएगा ना, तो आप चौंक जाएंगे कि ये प्रोडक्ट कितना कितना बेहतरीन दिया गया है हमारे आदरणीय गोपाल सर जी से। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, और कुछ कारण के कारण ये अभी एक दो महीने से मिल नहीं रहा है स्टॉक। शायद इस हफ्ते में, शायद ट्रांसिट में है, शायद इस हफ्ते में आप लोगों को कैल्सरी मिल जाना चाहिए। एक बार पता लगा लीजिएगा आप बिलिंग सेक्शन से, तो आपको पता चले, कस्टमर केयर को कॉल करने से आपको बता देगा कि कैल्सरी अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, अभी तो वैसे ऑनलाइन है, ऑनलाइन में भी आपको पता चल जाएगा कि कैल्सरी अवेलेबल है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए। तो यहां पे भी देखिएगा कैल्शियम, कैल्सरी का नाम ही कैल्शियम है, फास्फोरस दिया है, कॉपर दिया है, कोबाल्ट दिया है, मैग्नीज दिया गया, आयरन दिया गया, सल्फर दिया गया, जिंक, नियासिन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी12, सिलेनियम, क्रोमियम, पोटेशियम, सोडियम, फोलिक एसिड, एस्परेगस, ईस्ट एंड बाईपास फैट प्रोटीन। ये सब चीज आपको 1 लीटर या 5 लीटर कैल्सरी सर्वसी का कैल्सरी प्रोडक्ट में मिल जाएगा। और एक एक प्रोडक्ट मैं बोलता हूं, जैसे आपको कैल्शियम के बारे में पता होगा, फॉस्फरस के पता रहेगा, कॉपर, कोबाल्ट, मैंगनीज, ये सब के बारे में आपको पता रहेगा, लेकिन आपको आज मैं बड़ा जल्द ही, टाइम कितना हुआ, 9 बज गया है, तो क्या आज खत्म करूं कि अगले बार इसको रिपीट करेंगे? कृपया करके मुझे बताइएगा प्लीज कि कंटिन्यू करूं, क्योंकि 9 बज रहा है, तो कंटिन्यू करूं या अगले थर्सडे के लिए रख दूं इसके लिए। कृपया करके आप कंटिन्यू सुभाषी चक्रवर्ती सर एंड कर दीजिए सर। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। लेट मी गेट द फीडबैक फ्रॉम मैक्सिमम चाहिए, क्योंकि 9 बज गया है। कंटिन्यू करो। ओके, एंड सर, दो आदमी एंड बोल रहे हैं, दो आदमी, तीन आदमी कंटिन्यू बोल रहे हैं, चार कंटिन्यू बोल रहे हैं, पांच कंटिन्यू बोल रहे हैं। सर कंटिन्यू। राइट सर, थैंक यू। चलिए मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, बड़ा जल्दी से कर देता हूँ, समय ज्यादा नहीं लूंगा, सिर्फ आपको अगले 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये सब चीज ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं पहले, अब कर जस्ट रिपीट है, अब बहुत सारे नए लोग जुड़े हुए हैं उसी लिए।
तो कैल्शियम है एक हफ्ते तक वेट करना मुश्किल है, ठीक है जी। ओके सपोर्ट्स बोन हेल्थ, इजेस पीएम सिस्टम, प्रमोट्स सेंट्रल हेल्थ, बैलेंसेस ब्लड प्रेशर। हाँ ओके सर, ओके ओके ओके, चलिए। कॉम्बैट्स किडनी स्टोन एंड किडनी डिजीजेस, रिड्यूसेस कोलेक्टरल कैंसर। देखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है कैल्शियम हमारे जिंदगी में, कितना इंपॉर्टेंट। हम दूध पीते हैं लेकिन उस दूध में सही तरह से दूध मिलता ही नहीं है, उसमें कैल्शियम रहता ही नहीं है, तो हमको मजबूरन सप्लीमेंट्स लेना पड़ता है। तो इसी के कारण बहुत सारे बोन मैरो कैंसर, बहुत सारे ऑर्थराइटिस, आर्थराइटिस प्रॉब्लम, ऑस्टियोपोरोसिस प्रॉब्लम आते हैं। क्यों? बिकॉज हम जो दूध पीते हैं उस दूध में उतना खासियत नहीं है, सब मिलावटी है। बड़ा दुख की बात है लेकिन कैल्शियम इज द मिल्क इज द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो आज आप लोगों को कैल्शियम के द्वारा आपको अद्भुत कैल्शियम सौंपा जाएगा, ये जिससे गाय या भैंस से आपको बढ़िया सा कैल्शियम उत्पाद होगा और ये बोन हेल्थ को भी मजबूत करता है। फास्फोरस देखिएगा ये ब्रेन फंक्शनिंग में प्रमोट करता है, ये बॉडी सेल्स को रिपेयर करने में सहायता करता है, डाइजेशन को मदद करता है और मसल्स वीकनेस और फैटिकनेस से भी बचा सकता है। कॉपर जैसे का आप सबको पता है ये मस्तिष्क को एकदम स्टिमुलेट करके एकदम मस्त स्वस्थ रखता है, अपना बायां या डायना मतलब अपना लेफ्ट राइट का जो कॉम्बिनेशन होता है ना उसको सही रखने में कॉपर का काफी बड़ा रोल है। जिंक और आपका मैग्नीज में भी काफी बड़ा रोल है और कॉपर का भी बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन में आपके ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेशन को सही रखने में कॉपर का बहुत बड़ा रोल है। इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा कर रखता है, एनर्जी एसिड रिड्यूसिंग सिम्टम्स ऑफ आर्थराइटिस, प्रोटेक्ट दी शीट सराउंडिंग द नर्व्स, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड आरबीसी फॉर्मेशन। कोबाल्ट ऑल रुमिनेंट्स इंक्लूडिंग शीप, देखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ गाय भैंस के लिए ही नहीं है, ये बकरी के लिए है, ये कैटल्स गोट्स बिल्लियां कुत्ते सब के लिए, ये जितने भी स्तनधारी पशु है सब के लिए कोबाल्ट और कैल्शियम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इन द डाइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12, शरीर में विटामिन B12 बनाना है तो कोबाल्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल है और ये हर पशु के लिए अनिवार्य है, चाहे वो मुर्गी हो या भैंस हो या ऊंट हो या कोई भी हो। राजस्थान से जो है उनके लिए ऊंट के लिए बहुत ही अनिवार्य है कैल्शियम। आप कैल्शियम एकदम अच्छे से दे सकते हैं, राजस्थान में जितने भी हमारे सर्वेशंस है आप कैल्शियम को प्रमोट करो। दूध पिया जाता है और ऊंट के दूध से काफी रोगों के लिए चाय पी रहा हूँ सर जी आप लोगों की अनुमति से। और विटामिन B12 इज एसेंशियल फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड प्रोडक्शन ऑफ RBC रेड ब्लड सेल्स को फॉर्मेशन के लिए विटामिन B12। सर इंसान को तो नहीं दिया जाएगा ना, इंसान के लिए तो बहुत सारे खाना है यार, इंसान के लिए आपको कैल्शियम देने का दरकार क्या है? अपने हेल्थ प्रोडक्ट में जाइए ना, बहुत सारे इंसान के लिए आप इतना चिंता क्यों कर रहे हो यार? पहले बेजान पशुओं के लिए चिंता करो ना। मैंगनीज फैसिलिटेट्स बोन डेवलपमेंट, हेल्प्स मेक एंड ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स, हैविंग स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज एंड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग डिजीज रिस्क, हेल्प्स इन रिडक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। ये सब आपका आयरन है, वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर दी ओवरऑल ग्रोथ ऑफ दी बॉडी।
सर लाइन को दे सकते हैं सर जी, म्यूट मत करिएगा, अनम्यूट मत करिएगा प्लीज, कृपया करके बीच में मत बोलिएगा, आप यदि बोलोगे तो सब खोल के अनम्यूट करेंगे, कृपया करके म्यूट हो जाइएगा, थैंक यू। रिपेयर्स डैमेज सेलुलर टिश्यूज, स्लोस डीजनरेटिव बोन लॉस एंड जॉइंट लॉस, ये सब आपका आपका ये जो हड्डियों का जॉइंट्स हैं या आपके जितने भी हड्डियां हैं वो सबको मजबूत करने में सल्फर का भी काफी अच्छा रोल है। जिंक जैसे कि मैं कहा था एक ट्रेस एलिमेंट है और ये ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट्स सबके लिए अनिवार्य है। ये जिंक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिएगा इंसान में वो जो सवाल पूछा है ना, इंसान इंसान वाला सवाल, देखिएगा ये है जिंक, हमारे जिंक ज्यूएबल कैप्सूल्स को खाइएगा, बहुत फायदा मिलेगा आपको। एक बार आप जो भी सवाल पूछे जरा सा कैल्सरी पी के हमको फीडबैक दीजिएगा कि आपको कुछ फायदा मिला कि नहीं कैल्सरी खा के। ह्यूमन एनिमल्स एंड प्लांट्स डेफिशिएंसी इन जिंक लीड्स टू मैल अब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द बॉडी, डायरिया, क्रोनिक लिवर डिजीज और क्रोनिक इलनेस से भी बचा के रखता है जिंक। तो दोस्तों यदि हम मनुष्य में डायरिया का प्रॉब्लम है तो जिंक टैबलेट लीजिएगा। मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूं ये, जिनको डायरिया का प्रॉब्लम है उनको जिंक च्यूएबल टैबलेट दीजिएगा। मैं बहुत बार रेकमेंड किया हूं बहुत सारे लोगों को। और यहाँ पे भी देखिएगा डायरिया में जिंक काफी अच्छा रोल प्ले करता है। तो हमारे पास विटामिन D3 जिंक च्यूएबल टैबलेट से वो डायरिया में बहुत अच्छा काम करता है। लीवर डिजीज और क्रोनिक इलनेस, नियासिन, द मेजर फंक्शन ऑफ नियासिन इज इन कोएंजाइम फॉर्म्स ऑफ निकोटिनामाइड, NAD एंड NADP एंजाइम कंटेनिंग NAD एंड NADP आर इंपॉर्टेंट लिंक्स इन द सीरीज ऑफ रिएक्शंस एसोसिएटेड विद कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। ये खून का एक ये चीज है जो बताया गया है उसमें, तो वही चीज है आपको वहीं पे आपको फायदा मिलता है खून की विस्तार करने में और खून को एकदम अच्छी तरह रखने में। सेलेनियम है, एडेटिक सेलेनियम इन द बॉडी इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड थायराइड ग्लैंड। सेलेनियम गेट्स सफिशिएंट कंसीडरेशन फॉर हिज रोल इन वेरियस फंक्शंस सच एज एंटी कैंसर, जॉइंट हेल्थ, इम्यून रेजिस्टेंस एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक खनिज है सेलेनियम। क्रोमियम यूज हैज बीन सजेस्टेड टू हैव पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन फार्म प्रॉफिटेबिलिटी। देखिएगा वो भी गाय बकरी या कोई भी फार्म करता है तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्रोमियम का एक खनिज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे कैल्सरी में क्रोमियम काफी मात्रा में दिया गया है, तो इससे क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को काफी बढ़ा देता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आसान कर देता है, बछड़ा होने में कोई आसान कोई दिक्कत नहीं होता है गाय या भैंस को या कोई भी दूसरे स्तनधारी पशुओं को, तो क्रोमियम का काफी बड़ा रोल है। लॉन्जिविटी को इंक्रीज करता है कि ज्यादा दिन बच के रहे। एनहांस रिप्रोडक्शन डिक्रीजेस इंसिडेंस ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, यदि बछड़ा सही तरह से निकलना है, स्वस्थ निकलना है, तो आपको कैल्सरी देना है। और ऐसा क्या चीज दिया गया है कैल्सरी में, तब आराम से बताइएगा, क्रोमियम। दोस्तों करेंगे ना, क्रोमियम आपको प्रसारण में काफी अच्छा मदद करता है। बछड़ा भी ज्यादा देते हैं और उनकी लॉन्जिविटी को भी बढ़ा देता है और उनका रोग प्रतिरोधक शक्ति देता है। पोटेशियम इज द मेन, यस, पोटेशियम इज द मेन इंट्रासेल्युलर आयन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स बाय हैविंग अ मेजर रोल इन मेंटेनेंस ऑफ फंड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो वही चीज है एनिमल टिश्यू सर सेल्स में बढ़ावा। सोडियम है, ऐसा प्राइमरी कैल्शियम है,
एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फंड्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमस टिश्यूज और सेल्स में बढ़ावा देने के लिए है। फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम मनुष्य में भी इंपॉर्टेंट है और आपके एक सेकंड सर मैं चाय पी रहा था। थैंक यू। हेल्प्स बॉडी प्रोड्यूस एंड मेंटेन्स न्यू सेल्स एंड आल्सो हेल्प्स प्रिवेंट चेंजेस टू डीएनए दैट मे लीड टू कैंसर, हेल्प्स इन इंप्रूविंग आरोग्य। कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये फोलिक एसिड। जब प्रेग्नेंट होते हैं ना हम मनुष्य, तो फोलिक एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फोलिक एसिड के कैप्सूल्स या टैबलेट्स हम लोग लेते हैं। क्यों? कि ये जेनेटिक्स का जो हमारा, जैसे कि यदि हम में आस्थमा है तो बच्चे में भी वो आस्थमा न पहुंचे, इसके लिए हम फोलिक एसिड लेते हैं ताकि जेनेटिक का ट्रांसफॉर्मेशन न हो। वैसे ही फोलिक एसिड भी आपके पशुओं में भी वही चीज है, जो माँ में है वो चीज बिछड़े में ना जाए, इसीलिए फोलिक एसिड लिया जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड दी इंपॉर्टेंस ऑफ ईच इंग्रेडिएंट गिवन बाय सर्वश्री हर्ब्स इन देयर प्रोडक्ट्स। हर चीज का मतलब रहता है, हर चीज का इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या सर ये क्या दे दिया सर, इसमें आपको समझ में नहीं आता है। तो आज आप लोग को समझाने के लिए मैं सोचा कि आपको एक एक प्रोडक्ट के अंदर के इंग्रेडिएंट्स को यदि महत्व आपको बता दूं तो शायद आप समझ पाएंगे कि सर्वश्री के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इतना अच्छी तरह से कैसे काम करते हैं, इतनी अच्छी तरह से कैसे दे पा रहे हैं, काम कर पा रहा है। एस्पर्गरस इट्स अ ग्रेट हेल्पमेंट वेट लॉस में, पाचन क्रिया में, प्रेगनेंसी में, न्यूट्रिएंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ब्लड प्रेशर को कम करने में एस्पर्गरस का काफी बड़ा रोल है। ये ईस्ट जो है हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट डाइजेशन, रिड्यूस द रिस्क ऑफ रूमन एसिडोसिस, इंप्रूव्स एनिमल्स परफॉर्मेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नॉर्मली आपका जहां पे जैसे जम्मू कश्मीर या ठंड के जगह में वो जो स्नो डॉग्स यूज करते हैं ना, वो स्लेज को खींचने में, माल ले जाने में, या ऊंट को राजस्थान में लिया जाता है तो उनका परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में, या पहाड़ी जगह में आपको गधे को लाड़ते हैं, या आप जब वो क्या बोलते हैं उसको, आप कैलाशगिरी जाते हैं, कैलाश का जो दर्शन करते हैं तो आप गधों पे या याक पे लोड करते हैं ना सामान, तो उनके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में ईस्ट का काफी बड़ा रोल है और वही ईस्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। बाईपास फैट एनहांसेस पीक मिल्क प्रोडक्शन एंड persistency of lactation increases reproduction efficiency after calving, decreases metabolic disorders and ketosis, acidosis, milk fever भी एक होता है, increases production, productivity, life of animal, बहुत important है। ये bypass fat क्या करता है पता है? आप जो दूध निकालते हो गाय या भैंस का या किसी भी जानवर का, पशुओं का, तो उनका जो fat content है, इम्यूनोग्लोबिन जिसको बोलते हैं, उसको बढ़ा के छोड़ देता है, गाढ़ा कर देता है दूध को। तो इससे क्या होता है कि उसमें फैट कंटेंट जब इंक्रीज करता है तो दूध का स्वाद, दूध की पौष्टिकता 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 100 गुना बढ़ जाता है और उसका रेट भी ज्यादा बढ़ जाता है तो आमदनी भी 10 गुना बढ़ जाता है किसानों के। तो ये बहुत बड़ा चीज है आप लोगों को बताना है। इट हेल्प्स टू बिल्ड, रिपेयर एंड मेंटेन द बॉडी स्ट्रक्चर, प्रोटीन एग्जिस्ट थ्रू आउट द ऑर्गन्स और ब्ला ब्ला, प्रोटीन आपको पता है क्या काम करता है तो मैं ज्यादा इसमें जाऊंगा नहीं। और देखिएगा कि हम कैल्शियम, हमको सिर्फ और सिर्फ इतना पता है कि कैल्शियम से दूध का बढ़ावा देता है, लेकिन कैल्शियम सिर्फ दूध की बढ़ावा के लिए नहीं है दोस्तों। कैल्शियम एक ऐसा एक टोटल प्रोडक्ट है
जो एक पशुओं का पूरा जिंदगी पूरा बॉडी को सही रखने में स्वस्थ रखने में सहायता करता है। सिर्फ और सिर्फ दूध बड़ा में नहीं है, कोई भी घाव होता है, कोई भी इंफेक्शन होता है, कोई भी बीमारी पड़ता है, वो जल्दी से ठीक हो जाने का काम आपको कैंसरी करवाता है पशुओं में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर जी ये जानने में, आपको बहुत सारे प्रसारण में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, गाय का प्रसारण सही नहीं होता है, भैंस के प्रसारण में दिक्कत होता है, तो उनको वेटनरी हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, बहुत पैसा खर्चा होता है, कभी कभी बछड़ा तो मर ही जाता है। और ये सब किसे बचने के लिए आप यदि कैल्सरी दोगे तो बछड़ा भी स्वस्थ, उसका मां भी स्वस्थ रहेगा और दूध का बढ़ावा भी बढ़ जाता है और उसमें पौष्टिकार भी एकदम पता नहीं क्या बोल रहा है, तुलसी ड्रॉप मुझे लेना है क्या, पता नहीं क्या बोल रहा है। देख लीजिएगा डोसेस ऑफ कैल्सरी है, पोल्ट्री है 5 ml इन 5 kg ऑफ फूड, पोल्ट्री में मतलब मुर्गियों के लिए 5 ml 1 kg फूड, 1 kg का फूड में 5 ml मिलाना है, बकरियों के लिए 20 ml मिलाना है और गाय भैंस जो भी दूसरे हैं 40 ml 1 kg फूड में दिन में 2 बार मिलाना है। हमारा हेल्थ इश्यू है आपको कैसा पता है सर? कौन बोल रहा है पता नहीं है, मेरा हेल्थ इश्यू है आपको कैसा पता है? ये तो हमको ठीक कर दीजिए ना, आपके पास कोई दवा होगा तो मुझे ठीक कर दीजिएगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हेल्थ इश्यू नहीं रहता है। आप यदि स्वस्थ हो तो आप एकदम स्वस्थ रहिएगा, मेरी हेल्थ के बारे में आपको चिंता करने की दरकार ही नहीं है, मैं अपने आप को कहीं कैसा रखना है मुझे अच्छी तरह पता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज का समय बहुत ही ज्यादा हो गया है, आशा करता हूं कि आज का ये इंफॉर्मेशन आज का ये सेशन काफी अच्छा रहा। आज महीने का 8वां दिन है, अंतिम महीना है अंत महीने का और सिर्फ 23 दिन है साल अंतर खत्म होने का। फॉर डॉग व्हाट इज दिस डोज, डॉग को 5 ml ओनली 5 ml ट्वाइस डेली। तो आप लोग सब स्वस्थ रहिएगा, आप खुश रहिएगा और मुझे इजाजत दीजिएगा आज के लिए बस इतना ही तक, मैं आपको आप सबसे जुड़ा रहूंगा, तब तक के लिए आप सब खुश रहें स्वस्थ रहें और सर्वश्री से जुड़े रहिएगा। जरूर दे रहिएगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, जय सर्वश्री, जय हिंद और सलाम आप सबको।